या ठिकाणची आम्ही येत असतील त्यांना लाज वाटत नाहीये, सांगणाऱ्यांना लाज वाटायला लागली पण ऐकणाऱ्यांना लाज वाटत नाहीये। आज या ठिकाणी ठीक आहे आपण गणेशोत्सवाच्या मध्यवर्तीच्या काळामध्ये या ठिकाणी गणपती बाप्पाला घेऊन आंदोलन करतोय, तर गणपती विसर्जनापर्यंत खड्डे बुजवले गेले नाही आणि असंच आंदोलन विसर्जनाच्या दिवशी करावं लागलं आणि त्या ठिकाणी जर काही कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर ती सर्व सोयी जबाबदारी मालेगाव महानगरपालिका प्रशासनाची असेल असं या ठिकाणी मालेगाव मध्यवर्ती गणेशोत्सव समितीच्या वतीने मी नमूद करतो। हिंदी में बोलू, शहर मालेगाव के अंदर हर त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, अमन से मनाए जाते हैं, वो अमन कायम आबाद रहना चाहिए, ऐसी शहरवासियों की और इस शहर के बासिंदे की तहकीकात जुद्दोजहद चालू रहती, मगर कॉरपोरेशन के ऑफिसरान को सब समस्या बताने के बाद में भी एक महीना अव्वल अमन कमेटी की मीटिंग हुई उसके अंदर ये सब बातें बताए रखी गई, उसके बावजूद भी मालेगांव शहर के कमिश्नर जिनको बहुत समझता है, ऐसा मैं नहीं समझता, मगर समझने के बाद में भी वो ना समझा हुआ काम करते हैं। हकीकत ये है कि मालेगांव शहर के अंदर बहुत जगह खड्डे हैं, पाइपलाइन लीकेज है, जानवर इधर से उधर घूम रहे, अतिक्रमण में जो बढ़ा हुआ था उससे ज़्यादा बड़ा हो रहा, रास्ते पे लोगों को चलने को जगह नहीं है, शहर के अंदर अगर त्यौहार बनाना है तो लोग आएंगे कैसे जाएंगे कैसे, ये भी एक समस्या है। हकीकत को बयान करना और भी कुछ है, मगर जो हकीकत है उसको नज़रअंदाज नहीं करते आएगा और वो नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए, इसीलिए मालेगांव शहर की मध्यवर्ती उत्सव समिति गणपति की मूर्ति रास्ते पे ले पे बैठी है, क्योंकि इन्होंने अमन कमेटी की मीटिंग में ऐलान किया था कि समस्या अगर दूर नहीं होती है तो हम गणपति की मूर्ति रास्ते पे लेके बैठेंगे, वो हिसाब से गणपति की मूर्ति मध्यवर्ती उत्सव समिति के अध्यक्ष श्यामभाव गवळी रास्ते पे लेके बैठे हैं, उनके साथ पूरी समिति है और सब समिति के मिलके ये कार्यक्रम चालू है।